भक्तामर प्रणत मौलि मने प्रभाणामुत्योतकं दलित पापतमो लिताणा सम्यक् प्रणम्य चिन पात युगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनाना यशस्तुतः सकलमान्मय तत्वबोधा द्वद्बोध बोधिपटु भी सुरलोकनाथ स्तोत्रे जगत्रितय चित्तरे रुदारे स्तोसे किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्र। भक्तांबर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग मुनि महाराज भगवान के गुणों के प्रति जो अनुराग है उसी अनुराग के कारण जो भक्ति उत्पन्न हुई है उस भक्ति के द्वारा अपने जीवन को उनकी गुणों की वंदना करते हुए उन जैसे बनने का लक्ष्य बनाया है। और ठीक नहीं उनकी वह स्तुति करते हुए अंतरंग वैभव को बताने के बाद बहिरंग वैभव का भी वर्णन पूर्ण हुआ है। अष्ट प्रातिहार में जो आठ प्रातिहार का वर्णन होने के बाद उन भगवान के तीर्थ के प्रवर्तन के लिए जो आकाश मार्ग से अद्भुत जो विहार होता है उस विहार की छटा ही बहुत निराली ऐसे बताते हैं, क्योंकि विकसित हुए जो स्वर्ण कमलों के पुंज सम कांतिमान और दर्पण सम जो स्वच्छ नखों के आसपास विकीर्ण किरणों से नैनाभिरम ऐसे जो भगवान के चरण है वह गमन के काल में जहाँ डग भरते हैं वहाँ देवगण उनके चरणों के नीचे क्या करते दिव्य कमलों की रचना करते हैं और वे 32 पंक्तियों में साथ साथ
कमलों की भव्य रचना करते हैं और वो कुल संख्या कितनी होती, 225 रहती हैं। और कलांत में बताकर आए हैं कि देवों के द्वारा रचित वह समोषरण 12 योजन तक विस्तृत रहता है। और आपका जो ये वैभव है समोषरण का, ये अन्य कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उस वैभव के उस समोषरण में आपने जो धर्म का उपदेश दिया था वैसा उपदेश अन्य कहीं पर भी सुनने को नहीं मिलता। हमने इसके पहले कई बार आपको बताया है, हम बहुत परम सौभाग्यवान हैं कि हमारा जन्म जैन कुल में हुआ है, क्योंकि हमारे आराध्य अवतारवादी नहीं है, उत्तारवादी है। हमारे भगवान वे हैं कि जिन्होंने अंतिम पुरुषार्थ को प्राप्त किया है। और वे भगवान 18 दोषों से रहित होने के कारण वीतरागी हैं, और वे इतने निष्प्रह है कि राग के बिना हम लोगों के लिए उपदेश दिया है। संसार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ बताना है तो पहला पूछता है हमें क्या देंगे, क्योंकि संसारी की संसार के वाले का ज्ञान सापेक्ष होता है और वीतरागी का ज्ञान निरपेक्ष होता है। परोपकाराय सतामि विभूति हम, परोपकार करना ही महान पुरुषों का लक्ष्य रहता है, वे कभी भी अपेक्षा नहीं रखते। उदाहरण बताकर आए हैं समद्वद महाराज जी का कि धनन शिल्पी कर स्पर्शन मूर्ज किम अपेक्षते, मृदंग मधुर आवाज करता है लेकिन आवाज़ मधुर करने के बाद मृदंग अपेक्षा नहीं रखता। उसी तरह भगवान उपदेश दिए लेकिन बस प्राणी मात्र का कल्याण हो इसी भावना से उपदेश दिए हैं। और हमारे भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप हमारी पूजा करो, नहीं कहा। तो वह जो भाव चाहिए, जो भाव बनते हैं, उस भाव को बताने के लिए सामने वाला व्यक्ति अपने अनुसार सामने वाले के भाव बना सकता है, लेकिन हमारे भगवानों ने सिर्फ आपका कल्याण ही लक्ष्य बनाया। आपका उपदेश देते समय
आप दुखी क्यों हैं, दुख का कारण क्या है और सुख का साधन क्या है, ये बता के प्रत्येक व्यक्ति को कहा कि आप भी परमात्मा बन सकते हैं। और ये भी बताया, दो मार्ग बताए, जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा करता है, संसारी सब करते हैं मोक्ष की इच्छा, लेकिन वो कहते पुरुषार्थ करने वाला प्राप्त करता है, जिसकी पुरुषार्थ की कमी है उनके लिए भी मार्ग बताया, एक स्वर्ग का मार्ग बताया और एक मोक्ष का मार्ग बताया। क्योंकि एग्ज़ाम में सब बैठेंगे लेकिन सबको 100 मार्क नहीं मिल सकते, किसी को कम भी मिल सकते, तो जो कम है मार्क उसका भी कल्याण की भावना से क्या बताया, स्वर्ग बताया। क्योंकि आपको मालूम है कि 5 पांडव क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उनके ऊपर पूर्व भव के उसी भव के शत्रु आकर क्या किए कि वे दिगंबर रूप को लेके ध्यान कर रहे। अब तब उन्होंने कहा अरे आज मिल गए, और उन्होंने क्या किया, लोहे के अलंकार बना के सबके गले में, पैर में, हाथ में, सब क्या करते गए, शीर के ऊपर रखते गए, और पांचों पांडव ध्यान में लीन है। उसमें से तीनों ने अपना अपना एग्ज़ाम दे रहे थे, यानी प्रश्न पत्रिका क्वेश्चन को पूर्ण आंसर दे रहे थे, लेकिन दोनों ने सोचा, नकुल और सहदेव ने क्या सोचा कि बड़े भैया मैं तो सहन कर रहा हूँ, बड़े भैया सहन करते हैं क्या नहीं क्या पता। इसीलिए आचार्य जी बता रहे थे अपना प्रश्न पत्रिका यानी क्वेश्चन उत्तर देने का छोड़ के दूसरे के ऊपर देखा, तो क्या हो गया कि दोनों ने तीनों के बारे में सोचा और तीनों ने अपना अपना एग्ज़ाम दे दिया, वो पास हो गए, वो कहाँ गए, मोक्ष गए, और दो स्वर्ग गए। क्यों गए, क्योंकि इसीलिए एक मोक्ष का मार्ग और एक स्वर्ग का मार्ग दोनों के लिए, श्रावक सम्यक दृष्टि बनेगा तो वो भी कहाँ जाएगा, स्वर्ग ही जाएगा। इसीलिए दो मार्ग आपके द्वारा मिल गए, और इसी के कारण ये अन्य जगत देखने को नहीं मिलता। क्योंकि जो प्रभाव सूर्य के द्वारा जो अंधकार का नष्ट हो जाता है, वह ग्रह के समूह के द्वारा, ताराओं के द्वारा नहीं हो सकता। भले ही वह प्रकाशमान हो, लेकिन सूर्य जैसा प्रकाश उनके पास नहीं रहता। और हे तीर्थनायक, आप वास्तव में अद्वितीय थे, और इसका एक ही कारण है कि आपने उपदेश देकर धर्म का उद्घाटन किया। परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। आपने क्या किया कि आत्म तत्व का प्रकाशन किया, क्योंकि संसारी सुखी होना चाहता है विषयों के द्वारा, पुद्गल के द्वारा, और पुद्गल जो हमारा शरीर है उसका व्यापार होना ही कर्म का बंद होना, इंद्रिय सुख
सुख नहीं सुखा भास है। सर्वार्थ सिद्धि में बताया है, प्रश्न करता है, वो कहता है शिष्य आप पाप पाप क्यों कह रहे, हिंसा झूठ चोरी कुशल और परिग्रह पाप क्यों कह रहे। तो कहते हैं हमें कभी कभी सुख भी मिलता है, दुखमेव वा जो सूत्र है उसकी टीका लिखते हुए आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि जो प्रश्न किया शिष्य ने तो गुरु ने उत्तर दिया आप कह रहे कभी कभी सुख मिलता है, तुमने पूछा किस में मिलता है, उन्होंने कहा स्पर्शन इंद्रिय में, विषय वासना काम वासना में, काम सेवन में हमें क्या मिलता है सुख मिलता है, और आप कह रहे दुख दुख मिलता है। तो आचार्य कहते हैं वह सुख कैसा है, इंद्रिय सुख संसारी जो सुख मानता है वो सुख कैसा है, दाद की बीमारी। दाद की बीमारी क्या होती है, जहाँ खुजली खोजाते खोजाते बहुत अच्छा लगता है, जहाँ बीमारी हुई ना खोजाते समय अच्छा लगता, कभी भी नाखून से नहीं हुआ ना तो पत्थर लेकर क्या करता है वहाँ आसपास ऐसे खोजाता रहता है, खोजाते खोजाते अच्छा लगता है, जब बंद करता है तो क्या होता है उसमें जो खून आता है। तो वो कहते हैं कि वेदना का प्रतिकार है लेकिन वेदना नहीं मिटती। संसारी को लगता है कि अभी शादी हुई है अब हमारा क्या हो जाएगा, विषय वासना कम हो जाएगी, लेकिन आचार्य कहते हैं जैसे पावक में घी डाला, अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं, क्या होती है और प्रज्वलित होती है। तो इसी तरह वेदना का प्रतिकार है लेकिन वेदना मिटती नहीं, ये बता के आचार्य कहते हैं कि संसार में सुख इंद्रियों के द्वारा कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि वह कर्मों के अधीन अंत सहित दुखों से मिलते हैं। तो पाप का बीज है, क्या है वो, पाप का बीज है और दुखों से मिश्रित है, इधर सुख भी लग रहा है उधर दुख भी हो रहा है। जैसे मोहनी कर्म कहते हैं ना साता और असाता, तो क्या होता है तलवार की धार रहती है ना उस पर चाशनी लगाना, और जिसको मीठा अच्छा लगता है ना उसको कह देना अब मीठा समाप्त होता है थोड़ा तलवार के ऊपर है तो उसको क्या करता है चाटने के लिए जाता है, किसको, चाशनी को, तलवार को नहीं चाटता वो, चाटने के लिए गया है और चाटते चाटते क्या होता है वो समाप्त होते जीव, ऐसा सुख है संसार का। तो ऐसे सुख के बारे में बता के आचार्य कहते हैं कि उन्होंने हमें धर्म का मर्म बताया और धर्म के मर्म को समझे बिना कर्म का हनन होता नहीं। धर्म का मर्म कितने लोग जाने हैं, मैं यहाँ भी प्रश्न कर रहा हूँ, कितने लोगों ने धर्म को समझा, देखना है आपका दश लक्षण में क्या क्या आप करने वाले हैं, तुम्हारे कौन कौन से देव कहाँ कहाँ रखे हैं, सब आने वाले बार पंचमी को आते हैं क्या, पंचमी को आते हैं ना, पंचमी का छठ को आते हैं ना, हाँ सब रखे हुए जिसमें धूल पड़ी है उसको भी ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, जैसे लगता है कि उनके बिना हमारा काम ही नहीं होता, पहले ये सब भूल जाओ। इसलिए हमने कहा था कि मुझे चातुर्मास को बुलाया ना, मैं तो सोऊंगा नहीं और आपको सोने भी नहीं दूंगा, देखना है किसके किसके घर में कौन कौन देव बैठे, मैं उनका आदिवेशन मैं लेने वाला हूँ, सबको
मैं काम करने वाला हूँ, इसलिए तो आचार्य जी ने भेजा है मुझे। तो इसीलिए याद रखेंगे कि धर्म का मर्म ही नहीं समझा हमने। जैन कुल में जन्मले से कोई जैन नहीं बनता, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। तो कितना कर्म जैन का करते आप, और कौन से दिन करते, और अन्य समय आप क्या करते, ये सब। तो इसीलिए धर्म का उद्घाटन किया और उसे अपना कर उस मार्ग पर भक्त भी चल के भगवान बन जाता है। तो ये आपने बताया, और इसी के कारण प्रत्येक का कल्याण के लिए आपने मार्ग बताया। अब कहते हैं आगे भगवान के उस समोचरण का वर्णन होने के बाद, अब यहाँ से अभी तक भक्त शिरोमणि पहले उच्चारण करेंगे, बाद में बताते हैं। शोतन मदाविल विलोल कपोल मूल मत भ्रमद भ्रमर नाद विवृद्ध कोप ऐरावता विमप म्युत तमापतंत दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां हे भव्य शरण। भव्य लोगों को शरण देने वाले हे प्रभु, अभी तक भक्त शिरोमणि आचार्य मानतु अपने परम आराध्य देव से आदिनाथ भगवान की स्तुति वंदना भावपूर्वक करते आए हैं। अब इस पद्य से प्रारंभ करके अंतिम पद्य तक लौकिक और तात्कालिक समस्याओं का वर्णन करेंगे कि जो जिनेंद्र भगवान के शरण में आए हुए को, उनका कीर्तन करने वाले भक्तों को, नामस्मरण करने वालों को किसकी किसकी प्राप्ति होती है, अर्थात अभी तक अरिहंत प्रभु के जो गुणों का मुनिश्री के द्वारा भाव भक्ति से स्तुति आदि किया, अब उसका फल क्या है, इसके बारे में आचार्य यहाँ बताते हैं। भवदाश्रित ताणाम, अने भवता ने आपकी आश्रिता ने शरण में, अने आपके शरणाभूत पुरुष को, शोतन मदाविल विलोल कपोल मूल मत भ्रमर भ्रमनाद विविध कोपम, शोतता ने चूर रहे झर रहे हैं, ऐसे आविल अने मदगंधा ने युक्त द्राव से जो आविला ने कलुषित दूषित मलिन हुआ है, और विलोलाले चंचल ऐसा वे कपोलमूल अने गंडस्थल जिसके है, ऐसे मत अने मदांध ऐसे
होकर ब्रह्मदानी मंडरा मंडरा रहे हैं, ऐसे भ्रमर नादाने भौरों की गुंजन से गुनगुना बढ़ गया है। ऐसे क्रोध जिसका ऐसे वे यानी झरती हुई मद जल जो है उससे जिसका गंडस्थल मलिन कलुषित चंचल हो रहा है और उन पर उन्मत ऐसा यानी बेसुध होकर मंडराते हुए काले रंग के जो बौरे है वह गुंजरन से जिसका क्रोध क्या हो गया और बढ़ रहा है, ऐसा ऐरावता भी यानी ऐरावत हाथी जैसा आकार वाला मोटा ऐसा वह हाथी है जिसके आप तंत मैंने सामने आता हुआ वह हाथी उद्यत मैंने उद्दंड यानी अशिक्षित ऐसा वह हाथी क्या करता है कि उसको देख कर भय नो भवति यानी उसको भय उत्पन्न नहीं होता क्या। आचार्य कहते कि हे देवादिदेव जिसके भी जिसने भी आपका आश्रय लिया उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, यहाँ तक कि क्रोधोन्मत्त ऐसा विकराल हाथी भी जिसके कपोल से मद चुर रहा हो उस पर भौरे मंडरा रहे हो फलत वह स्वरूप उसका क्रोध क्या हुआ इतना भड़क रहा है कि ऐसा हाथी भी आपके शरणागत को क्या करता है भक्त का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हाथी एक भीमिक का वैसे निरंकुश पशु होता है कि उसमें वश में करने के लिए वस्तुतः अत्यंत कठिन हो जाता है, तो ऐसे इतने पर भी यदि वह क्रोध का कोष से मतवाला हो जाता है तो चारों ओर क्या करता है वो विध्वंस का दृश्य हमारे सामने आ जाता है। तो भगवान महावीर की कथा चरित्र पढ़ते हैं तो बाल्यकाल का वो आख्यान हम पढ़ते हैं कि उनको देखकर क्या हुआ था ऐसा निरंकुश क्रोधोन्मत्त विकराल हाथी भी अपनी पार्श्वता को छोड़कर सौम्य शांत रस बन गया था। और इसी भांति भरत ने भी क्या किया था निरंकुश ऐसे त्रैलोक मंडन हाथी को भी सहज में ही अपने वश में किया था। तो ये महावीर और भरत ये क्या है पौराणिक पुरुष है थे लेकिन वे उनका आध्यात्मिक प्रभाव या और कुछ था और विश्व भी उनके चरणों में झुक जाता है। लेकिन यहाँ स्तुतिकार कहते कि सामान्य भक्त भी आपकी शरण में आने से क्या बन जा है निर्भय बन जाता है। ये तो पौराणिक महान पुरुष थे लेकिन अभी भी हम देखते हैं सामान्य जो जिनेंद्र भगवान का जो भक्त होता है वो भी क्या बन जाता है निर्भय हो जाता है और मत वाला हाथी भी उनके सामने सौम्य शांत हो जाता है। तो इसका वैसे तो ज्ञात ही है क्योंकि सम्यक दृष्टि भयों से मुक्त ही होते हैं क्योंकि उनके हृदय में अनंत शक्तिमान परमात्मा का क्या होता है अस्तिक भाव सदा रहता है। और उस समय क्या होता है कि उस समय स्वयं भी अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। मुझे प्रसंग याद आता है
2002 या 1 का प्रसंग होगा, बुंदेलखंड में गुरु महाराज के साथ विहार सागर के आसपास कहीं हो रहा था, स्थान स्मरण में नहीं आ रहा है। तो विहार में ये कहीं श्रावक चल रहे थे, तो एक युवक ने बताया था यही घटना भक्तांबर का महत्व बताते हुए। सत्य घटना उन्होंने ये बताया कि एक व्यक्ति जंगल में से जा रहा था और जाते समय घने जंगल में से अचानक हाथी सामने आ गया। तो इन्होंने कोशिश किया कहाँ जाना, लेकिन हाथी उसको क्या किया, सामने आकर उसको अपने सोंड के द्वारा उठाया। उठाने के बाद उसको ऊपर उठा के पहला हाथी की विशेषता होती है, उसको उठाकर पहला पटक देते हैं। तो उसको उठाया हाथी ने और उठाकर उसको नीचे रखा और नीचे रखकर पैर देता है वो। और उन्होंने क्या किया, उसको उठा के उसको नीचे गिराने के बाद पैर उठाया उस पर रखने के लिए, लेकिन पैर ऊपर यहाँ तक गया और नीचे पुनः वापस लिया, क्योंकि वो तो जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहा था और उसके खीसे में भक्तांबर स्तोत्र की किताब थी। तो छोटी सी किताब, हर रोज पाठ करने वाला व्यक्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा है और उठाया हुआ पैर भी क्या किया, पुनः वापिस लिया। घटनाएं सत्य जब मालूम होता है तब थोड़ी श्रद्धा बनती है हमारी, क्योंकि आचार्यों ने कहा है जिनेंद्र भगवान की जब हम गुणगान कार्य करते हैं परमात्मा का, तो अनंत शक्ति का हम क्या करते हैं, अनंत शक्तिमान ऐसे परमात्मा की हम क्या करते, भक्ति स्तुति करते हैं। तो उसी वक्त हम भी शक्तिशाली बन जाते हैं, हम भी क्या होते, हमारे कर्मों की निर्जरा का कारण क्यों बनता है, क्योंकि जिनके मन में अनंत शक्ति वाले परमात्मा का जब स्मरण करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, तो अपनी शक्ति भी बढ़ जाती। समय सार में आचार्य कहते हैं परमात्मा का ध्यान करने वाला व्यक्ति वैसे बन जाता है। उदाहरण बताया है कि जो अलग अलग रत्न होते हैं, अगर सफ़ेद कोई रत्न है तो सफ़ेद रत्न के सामने जैसी वस्तु रखते वैसे उसका कलर बदल जाता है। वह राग के साथ घटाया है, लेकिन मैं यहाँ आपके सामने परमात्मा की बात कर रहा हूँ कि हम परमात्मा का स्मरण करते तो हमारी आत्मा भी उस अनंत शक्ति से हो जाती है, और इसी के कारण वे शांति और सौम्यता की भक्ति की शक्ति है कि शांति ने सदैव क्या किया है, क्रोध पर विजय प्राप्त किया है। ऐसे क्रोध से युक्त हुआ वह हाथी जब आया, लेकिन सामने वाला भक्त क्या था, शांत था, और एक शांत रस का एक विशेष प्रभाव बताया कि शांत रस की सब रसों में शांत रस का ही उपादेय माना गया है। और सामने वाला व्यक्ति जब उस शांत परिणाम के लेकर बैठता है तो क्रोध से व्यक्ति कितनी क्रोधी हो वो भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। उसका एक ही कारण है, वो प्रसंग अभी प्रसंग के अनुसार स्मरण में आ गया, लेकिन ऐसी भी सत्य घटना है कि जिसको हाथी ने उठाकर पटकाने के बाद भी पैर रख नहीं पाया और पीछे पैर लेके वापिस चला गया। ये किसका प्रभाव है कि अनंत शक्तिमान परमात्मा के स्मरण का ही प्रभाव है, और किसी में रखे हुए छोटे से भक्तांबर का प्रभाव है। और इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार पर भी कहा गया है
कि बर्बर ऐसे पशु यदि अपनी पाश्विकता छोड़ दे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो इस तरह भगवत भक्ति की शक्ति सचमुच क्या होती है, अतुलनीय होती है। इसीलिए अनंत, मैंने पहले दिन भी बताया था कि जिनेंद्र भगवान की शक्ति से अनंत शक्ति के द्वार खुल जाते हैं। जिनेंद्र भगवान की जैसी जैसी भक्ति बढ़ती है तो हमारी शक्ति भी बढ़ जाती है, और प्रत्येक व्यक्ति उस परमात्मा के पद के पात्र बन जाता है। क्योंकि पहला अपने को ये याद रखना है कि प्रत्येक आत्मा में अनंत शक्ति होती है क्या नहीं है? आचार्य कहते हैं जैसे दूध में घी का विश्वास है, उसी तरह देह में परमात्मा का भी विश्वास होना ही चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में अनंत शक्ति होती है, लेकिन संस्कार का अभाव, हमारे आत्मा में शक्ति का उद्घाटन हम नहीं कर पा रहे हैं। पंचेंद्रिय विषयों से, भौतिक चकाचौंध से इतने प्रभावित है कि परिग्रह की विपुलता और इंद्रिय सुख का आशाएं हमारे आत्मा को पराधीन किया है, और इसीलिए स्वाधीनता हम प्राप्त नहीं कर पा रहा है। आए हैं जैन कुल में जन्म होना, यानी कौन से भी कुल में मनुष्य गति में जन्म होना ही परमात्मा बनने के लिए जन्म होना है, लेकिन क्या करें, इससे संसार से इतना प्रभावित हो जाता है। जैसे छोटा लड़का यात्रा में मेले में जाकर अपने परिवार से बिछड़ जाता है, वैसे यहाँ संसार में आकर पंचेंद्र विषयों के पीछे आत्मा से हम बिछड़ जाते हैं, और 84 लाख योनि में घूमने की तैयारी ही करते हैं, कर्म निर्जरा नहीं करते, क्योंकि दिन काटते हैं कर्म नहीं काटते हम। तो इस बात को यहाँ बताया जा रहा है कि अनंत शक्ति, जिसके हृदय में अनंत शक्तिमान परमात्मा का अस्तिक भाव विद्यमान रहता है, वह उस व्यक्ति स्वयं ही अनंत शक्ति वाला बनने के जो हमारे जो उद्घाटन है उसका इसी के द्वारा हो सकता है। तो ये बता के अब आगे कहते हैं कि सिंह भय से विमुक्त जिनेंद्र भक्त कैसे होता है। भिन्ने कुंभ गल दोज्वल शोनिताक्त, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, बद्ध क्रम क्रमगतम हरिनादिपोपी, नाक्रामति क्रमयुगाचल संस्रितं ते, आचार्य मानतोंग मुनि महाराज स्तुति के प्रत्येक क्षणों में जब जब अपने भावों को उज्ज्वल करने का सौभाग्य मिलता है,
तब तक प्रत्येक समय लगता है कि संसार में भय किससे करना, क्योंकि संसारी बाहर के भय से बचता है, बचने की कोशिश करता है, लेकिन पापों के भय से बचने की कोशिश नहीं करता। तो इसीलिए अपने जीवन में जो अस्थिरता आई है, मैं बताना चाहता हूँ विश्वास की विधि क्या होती है। जब तक मन स्थिर नहीं होता और दृढ़ नहीं बनता, तब तक विश्वास धर्म के ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि श्रद्धान विश्वास आस्था, इसी के बिना धर्म प्रारंभ नहीं होता, और आस्था के बिना संसार के दुखों से रास्ता बाहर निकलने का नहीं मिल सकता। तो इसीलिए उदाहरण के द्वारा आचार्य बताते कि भिन्ने व कुंभ गजल दोजल हो गए ना, तो सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि भिन्ने व कुंभ गजल दोजल शोनितांग मुक्ता फल प्रकर भूमित भूमिताग। ऐसे मदोन्मत भिन्न भेद किए गए हैं, और जिन्होंने कुंभानी गंडस्थल जिसके है, ऐसे विदीर्ण किए गए हाथियों के गंडस्थल में गिरे हुए धवल उज्ज्वल और रक्त प्लावित ऐसे गज मुक्ताओं के समूह से सुशोभित करके आए भूतल को, जिसने ऐसा बद्ध क्रमः अपने का पराक्रम को समेट कर आक्रमण करने के लिए, छलांग मारने के लिए कटिबद्ध ऐसा वह हरिनाधिपानी सिंह, हरिनानी पशु होता है, आधिपानी आधिपति यानी स्वामी, ऐसे ऐसे सिंह क्या करता है, क्रमगतम छलांग मार चुका है। क्या किया है, एक सिंह ने छलांग मार लिया है, और ऐसे समय और मार कर उसके चंगुल में कोई फंसा हुआ है, ऐसे समय ती आपके क्रम युगाचल संस्कृतम, आपके दोनों चरण रूपी पर्वत के आश्रित भक्त पुरुष पर क्या हो सकता है कि न आक्रामती, आक्रमण नहीं करता। बहुत अच्छा दृश्य हमारे सामने यहाँ रख के आचार्य कहते हैं कि भक्तांबर काव्य के इस खंड में शरणागत भक्त और लोकोत्तर निर्भयता के साथ एक साथ भौतिक विजय और उपलब्धि का उल्लेख भी समांतर स्तर पर करते जा रहे, और आचार्य महाराज कहते हैं कि न केवल मत वाले हाथी ही भक्त के वशीभूत हो जाते, आप ही तो दुर्दांत खूंखार सिंह भी क्या होते, आपके भक्त के ऊपर झपटते झपटते रुक जाते हैं। क्या क्या उन्होंने छलांग मारे हैं, लेकिन आपका भक्त जब आपको उसी वह स्मरण करता है तो क्या करता है, झपटे यानी ऊपर छलांग मारने वाला सिंह भी क्या करता है, आपने उस जो जिस भाव से छलांग मारकर आक्रमण करने के लिए उद्यत होता था, वह भी ऐसा वह बीच में क्या करता है, आपके भक्तों पर वह वार नहीं कर सकता, अर्थात हिंसक मृगपति आपने भक्त के समक्ष
अपनी नैसर्गिक क्रूरता भी छोड़ देता है, इतना प्रभाव आपके तो इस काव्य में नवरस के प्रतीक, क्योंकि अलग अलग शांत रस, करुणा रस, कई प्रकार के नौ प्रकार के रस होते हैं, तो नवरस के प्रतीक पात्र किस प्रकार दृश्य काव्यों के मंच पर उतारे हैं, तो यहाँ प्रत्येक रस को पहला समझेंगे। जैसे मदोन्मत्त भीमकाय विकराल हाथी, ये भयानक रस हो गया। अब उन्होंने क्या किया, चौकटी भरता हुआ आक्रमण से उद्यत होता हुआ वो पराक्रमी सिंह, ये क्या हो गया, वीर रस हो गया। और बाद में अपने तेज नाखून वाले पंजों से उसे विकराल उन्मत्त हो गया, तो ये हाथी के यानी गंडस्थल में विदीन होने वाला करने वाला सिंह, ये रोद्र रस हो गया। और बाद में मृत प्राय गजराज यानी करुण रस हो गया, और खून में सने हुए गजमोती, ये कौन सा रस हो गया, बीभत्स रस हो गया। और बाद में श्वेत एवं रक्त वर्ण से जगमगाते हुए मोतियों के गिरने से उस वक्त क्या हो गया, उसके यहाँ हाथी के इसमें गज मुक्ता गिरने लगी, इसीलिए वसुंधरा पर गिरने लगे, उसको कहते श्रृंगार रस। और बाद में जिनेन्द्र देव के प्रशांत और गंभीर उत्तंग चरण युगलों के पर्वत की ओट में, इसको बोलते शांत रस, ये क्या हो गया। अने उसी वक्त इन्होंने क्या किया, भगवान को स्मरण किया, तो खूंखार ऐसा सिंह भी क्या किया कि उस प्रशांत गंभीर भगवान के चरण कमलों की पर्वत की ओट में गया, तो इसका रस वो क्या हो गया, शांत रस हो गया। और आपकी भक्ति, उत्कृष्ट भक्त वत्सलता, ये को हो गया वात्सल्य रस हो गया। और ऐसे नौवा रस कौन सा है, तो निर्भयता पूर्वक आनंद की प्राप्ति हो गई, ये है हास्य रस। तो इस प्रकार आचार्य मांतुंग इस छंद में नौ रसों को एक साथ रख के अंतवगतवा उनके कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जो भक्त भगवान के प्रति आस्था रखता है और आपके चरण युगल रूपी पर्वत की ओट होता है, उस पर दहाड़ते हुए ऐसे सिंह का भी प्रभाव क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है, अर्थात सर्वोत्कृष्टता मानवता के चरणों में दुर्दांत और बर्बर ऐसी पाशविकता भी अपने घुटने टेक देती है। और ये बता के आचार्य कहते हैं कि संसार में दो ही चरण युगल शरण हैं, और वे है अरिहंते शरणम पवज्जामि, भगवान के चरण ही हमें इस संसार से बचा सकते, हमें सुखों को प्राप्त करने का मार्ग यही मिल सकता है। हम कितने भी अनंत काल संसार में सुख ढूंढने की कोशिश करेंगे, याद रखना कि तीन काल में संसार में सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी लिखते हैं, जल के मंथन से कभी नवनीत नहीं मिलता, कितना भी मथानी के द्वारा जल में मथानी रख के कितना भी कोशिश आप करो, लेकिन मथानी को घुमाते समय कभी कभी फेन भी उसमें आ जाता है, लेकिन ये नहीं कहना देखो तीर्थंकरों को नहीं मिला, हमने कभी सुना था संसार में सुख नहीं है इसलिए तीर्थंकरों ने घर छोड़ा, अब मुझे पता चले देखो फेन आ रहा है ना, अब लगता है नवनीत आएगा, जब
मथानी बंद करते तो पुनः वो फिर नीचे जाता है, पहला दिखता है फिर आ रहा है। उसी तरह संसारी को लगता है सुख आ रहा है, आने तो थोड़ा सा बाद में पता चलेगा। जब तीर्थंकरों को नहीं मिला, शीतलनाथ भगवान का मैंने बता कर आया हूँ, शीतलनाथ भगवान कहते हैं मेरे पास किसकी कमी नहीं, चक्रवर्ती के यहाँ कितने आचार्य होते मालूम है, कितने आचार्य होते, आचार्य महाराज बता रहे थे आचार्य आचार्य कितने होते बता रहे थे चक्रवर्ती के पास, कि आज जो भोजन बनाता है दूसरा दिन उसका नंबर, सालों सालों के बाद उसका नंबर रखता है भोजन बनाने में। तो इतने आचार्य होते हैं तो भी, तो इतना सब होने के बाद क्या कमी थी चक्रवर्ती के पास, कितनी रानियाँ थी, 96,000 रानियाँ थी। तो इतनी रानियाँ थी, इतने आचार्य थे भोजन बनाने वाले, और इतनी संपत्ति थी, घोड़े, ये सब शास्त्रों में पढ़े हैं अपने, मेरे भावना में भी पढ़े, कितने हज़ार घोड़े, कितने हज़ार रथ। तो इतने सब होने के बाद भी इनको घर क्यों छोड़ना पड़ा, किसने निकाला क्या घर से बाहर, ये घर से आड़े निकले थे क्या, खड़े निकले थे, सो रहे क्या, हाँ घर से आड़े निकलने से कल्याण नहीं होता, हाँ खड़े निकलने से कल्याण होता है, क्योंकि आड़े कब होते हैं, जब चले जाते तब उठाते वो, घर से हमें आड़े नहीं निकलना है, कैसे निकलना है, स्वाभिमान के साथ, नहीं तो घर से लोग परेशान होकर जाओ कुट जाओ महाराज के प्रवचन चोरी क्या कटकट में बैठे जाओ उधर, कितने घर में बैठे रहते कुछ काम करते भी नहीं, इधर उधर की बातें करते, हमें भी काम करने नहीं देते और खुद भी नहीं करते, घर में के लोग परेशान है। और कई कई लोगों के लोग घर के लोग बाहर निकल के दरवाजे बंद करते, तो कोई पूछता है क्या, नहीं ऐसे बैठा हूँ, तो उसको भी पता है, वो कहता है अभी खोल देंगे दरवाज़ा, क्या हो जाएगा, खोल देंगे, लेकिन अभी भी कल्याण की भावना नहीं हो रही। उसका एक ही कारण है, मोह महामद, बस सामने वाला कहता है निकल जाओ तो भी हम कहते हैं नहीं मैं यहीं रहूँगा, मेरा अंतिम सांस यहीं जाएगा, परेशान है जीव भी परेशान है और उस जीव के परिवार वाले भी परेशान हैं, लेकिन अभी भी आत्महित का लक्ष्य नहीं बना। तो इसीलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसे जिनेंद्र भगवान के जो आराधना करता है अनंत शक्तिमान आत्मा बनता है, और उसके ऊपर खूंखार ऐसा सिंह भी क्या नहीं कर सकता, छलांग नहीं मार सकता, क्योंकि समय आपका हो गया।